नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं आप लोगों के लाइफ में। सो टॉपिक है जर्नी टू मैरिज। मैंने एक पोस्ट किया था जहाँ पर मैंने बोला था कि आप अपने हिसाब से टॉपिक बताइएगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और पहले भी मुझे इस टॉपिक के ऊपर कमेंट आया था, जर्नी टू मैरिज। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है एंगेजमेंट टू मैरिज तक का जो सफ़र कैसा रहेगा वो कैसा है, और एक जन ने बोला है कि जर्नी टू मैरिज कैसा रहेगा। तो मैं जर्नी टू मैरिज इसी टॉपिक के ऊपर करूँगी, तो उसमें एंगेजमेंट वाला पार्ट वो सब कुछ आ जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो अब से लेकर आपकी शादी तक का जो ये सफ़र होगा वो कैसा रहेगा, मतलब अभी से लेकर शादी तक का जो ये टाइम फ्रेम होगा आपका, चाहे वो कितने सालों का भी क्यों ना हो, साल भर का, महीने भर का या हफ्ते भर का ही क्यों ना हो, वो कैसा रहेगा आपका सफ़र, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानेंगे, ठीक है। तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जो दो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वन एंड टू। अदरवाइज आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है, ये देख कर आप चूज़ कर सकते हैं किसी एक पाइल को। अदरवाइज आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर वन, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आप लोगों ने अपने नाम का फर्स्ट लेटर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हाँ, प्रॉब्लम कुछ हुआ है ऐसा कि ये पार्ट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, बट मैं दूसरा वीडियो डिलीट करने जा रही थी और पता नहीं क्या हुआ, मैंने ये वाला ही डिलीट कर दिया, तो अभी मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो भी होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, डिवाइन प्लान के मुताबिक होता है, तो डेफिनेटली इसमें भी कोई रीज़न होगा जिस वजह से वीडियो डिलीट हो गया, क्योंकि ऐसा गलती मैंने पहले कभी नहीं किया था, ये पता नहीं कैसा हो गया। एनीवेज, लेट्स सी जर्नी टू मैरिज ऑप्शन नंबर वन के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कैसा होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन जो सेंस स्प्रेड का है। जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन वन को चूज़ किया है, अब से लेकर शादी तक का जो उनका सफ़र होगा वो कैसा होने वाला है ऑप्शन वन के व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रोटेक्टिव एनर्जी, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को शादी तक के सफ़र तक ऐसे ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनसे मिलकर आपको लाइक कई सारे लेसन्स मिले, कई सारे लाइफ लेसन्स आप लोग सीखेंगे उन पर्टिकुलर लोगों से, ठीक है, जिसके चलते हुए आप खुद को लेकर थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है, और मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग थोड़ा प्रोटेक्टिव हो सकते हो, मीन्स बहुत जल्दी लोगों के साथ ओपन अप नहीं होना या फिर दोस्त बनाने से डर लगना कि मुझे दोस्त ही नहीं बनाना है, मुझे लोगों से दोस्ती ही नहीं करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कट ऑफ करना, हर्मिट जोन में ज़्यादा रहना, मीन्स अकेले ज़्यादा रहना, यू नो, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सनैलिटी आपका बन सकता है, ओके। ईजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाना, खुद को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना कि कहीं इस इंसान से दोस्ती करेंगे तो ये इंसान कहीं मुझे फिर से चीट ना कर दे, ये इंसान दूसरे इंसान की तरह मेरे साथ कुछ धोखाधड़ी ना कर दे, मेरा फ़ायदा ना उठाए, इस टाइप का एक डर आपके अंदर बैठ सकता है। जर्नी टू मैरिज तक के जो सफ़र है उसमें आप ये फेस भी देखेंगे, ओके। रोलर कोस्टर वाला माहौल भी क्रिएट होगा, ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मतलब स्मूथली क्यों नहीं जा रहा है, इतना हर्डल क्यों आ रहा है मेरे लाइफ में, स्ट्रगल्स क्यों आ रहे हैं, यू नो, लव लाइफ को लेकर, ऐसे सिचुएशंस भी आप फेस कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि ये सब टेम्प्रेरी बेसिस पर होगा, कुछ महीने तक चलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, नॉर्मल होगा, फिर कुछ अलग होगा, फिर नॉर्मल होगा, समथिंग इस टाइप का। तो एकदम स्मूथली वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। जर्नी टू मैरिज तक का जो सफ़र है इस दौरान आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, ओके। और सेंसिटिव होना गलत बात नहीं है, बस इतना है कि जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं तब हमें थोड़ा बहुत खुद का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज़ लोग हमें बहुत इजीली, लोग सिचुएशन हमें बहुत इजीली हर्ट कर जाते हैं। तो जर्नी टू मैरिज तक का जो सफ़र है इस दौरान आप अपने इमोशंस के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे, स्पेशली आपके फेमिनिन साइड के साथ आप बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे। हम सभी के अंदर फेमिनिन एनर्जीज होते हैं, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी के अंदर होता है ये एनर्जीज। तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, आप अपने सिक्स सेंसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस, या फिर यूँ कहे कि दूसरों की बिहेवियर आपके ऊपर काफ़ी हद तक असर डालेगा, ओके। तो एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लाइक आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, आप दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस को भी समझ पाएंगे बहुत ईजिली, एंड ऑल्सो दूसरों का इंटेंशन क्या है आपके लिए,
ये इंसान सच में सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके से भी आप समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। और मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है यहाँ पर, जो कि आप सेंसिटिव हो जाएंगे, इस वजह से सामने वालों की एनर्जी को आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वो इंसान जो दिखा रहे हैं वो सच है या झूठ है। बट आपका दिमाग आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं फियर के वजह से, डर के वजह से, पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज ये होगा कि आपको अपना डर का सामना करना पड़ेगा। पास्ट में जो हो चुका है ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में फिर से वो चीज़ रिपीट हो। पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया तो ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में फिर से कोई इंसान आकर आपके साथ वही काम करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये तब रिपीट होता है जब हम लेसन को समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तब रिपीट होता है। लेकिन जब आपने लेसन लर्न कर लिया है तो वो चीज़ रिपीट कभी नहीं होगा। आपको किसी ने धोखा दिया है, आप समझ गए कि उस इंसान ने किस हिसाब से आपके साथ प्ले किया था, गेम खेला था आपके साथ, किस हिसाब से आप समझ गए अच्छे से, ओके, और आप अलर्ट हो गए, तो नेक्स्ट कोई इंसान आपके साथ वो चीज़ रिपीट करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए और इस डर के साथ जीते रहे कि दोबारा से फिर से कोई मेरे साथ करेगा, दोबारा से फिर से मेरे साथ कुछ कोई कोई करेगा, और आप बिल्कुल भी अलर्ट नहीं रहेंगे एंड समथिंग फियर में आप जिएंगे, तो फिर से आप वो चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चैलेंज रहेगा कि आपको आपकी फियर का सामना करना पड़ेगा, फियर का सामना करना पड़ेगा। ओके, जर्नी टू मैरिज तक का सफ़र में, यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहे हैं, जर्नी टू मैरिज तक का जो सफ़र होगा वहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। पर्टिकुलर फीमेल एंसेस्टर मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो पर्टिकुलर फीमेल एंसेस्टर लोअर रियलम में है, उनको मुक्ति नहीं मिला है, ठीक है, उनको मुक्ति नहीं मिला है, वो लोअर रियलम में है। उस पर्टिकुलर फीमेल एंसेस्टर के लिए आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, एंसेस्टर लिनियज हीलिंग करना हो गया हो, कर्मा क्लियरिंग करना हो गया हो, एंसेस्टर कर्मा क्लियरिंग करना, दान पुण्य का काम करना अपने एंसेस्टर्स के नाम पर, इस टाइप की चीज़ें आप करने वाले हैं, ठीक है। ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए है वो समझ जाएंगे, उनको टच कर जाएगा ये मैसेज, ठीक है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं बता सकती कि ये सभी के लिए है, तो सबके लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मैसेज है। ओके, जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, इस दौरान आप अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ओके, करियर में आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप अबंडेंस मनी अट्रैक्ट करेंगे। जर्नी टू मैरिज तक के जो सफ़र है, इस सफ़र में आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करेगा। सडनली मेरी थ्रोट में डिस्टर्बेंस आने शुरू हो गए जबकि मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। ओके, बोलना, एक्सप्रेस करना, अपने हक के लिए बोलना, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, चाहे सामने वाला इंसान कोई भी हो, कोई भी हो सामने वाला इंसान, सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सच चाहकर भी बोल नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो आप वो गलती मत कीजिएगा, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। डिवाइन ही आपको एक चैलेंज देंगे कि आपको एक्सप्रेस करना होगा जो भी आपके दिल में फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डिज़ायर्स, जैसे कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, कैसे इंसान से आप शादी करना चाहते हैं। अगर आप वो बोल ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका फ्यूचर, आप खुद सोचिए। तो एक तो वो कि अपनी फीलिंग्स को, ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपना बात रखना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। ओके, और एक चीज़, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ओके, टेंशन वाला माहौल भी क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मैंने बोला कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में हाँ, आपको जर्नी टू मैरिज तक के सफर में 999 एंजल नंबर भी काफ़ी दिखाई दे सकता है। समझ जाएगा कि पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल, स्ट्रांग साइकिल आप ब्रेक करने जा रहे हैं। ओके, और ये तब दिखाई देगा आपको, स्पेशली तब दिखाई देगा जब आपकी शादी के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, और ठीक है, तब ये नंबर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। ओके, तो कम्युनिकेशन के बारे में जैसे कि मैंने बोला था, तो उसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कुछ ऐसा भी ना बोल दें कि झगड़ा हो जाए। लेकिन इस डर से सच नहीं बोलना वो भी मत कीजिएगा, मतलब आपको इस डर में नहीं जीना है कि मैं सच बोल दूंगी या बोल दूंगा तो झगड़ा हो जाएगा तो नहीं बोलते हैं, नहीं, आपको ये भी नहीं करना है। आपको इस हिसाब से सच को बोलना है कि लोग सच सुने भी, लेकिन झगड़ा करना स्टार्ट ना कर दे, यू नो, कूल एंड काम होकर, क्योंकि सामने वाले इंसान आपके ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बट उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे रिप्लाई करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, जर्नी टू मैरिज तक का सफर कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताइएगा, थैंक यू।
कुछ चीज़ें रिपीट हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ वही चीज़ हो रहा है जो पास्ट में हुआ था, पास्ट में किसी ने किया था मेरे साथ, सेम चीज़ मेरे साथ रिपीट हो रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है। ऐसा पर्टिकुलर कुछ मोमेंट भी आप फेस करेंगे, और जैसे कि मैंने बोला था, ये तब होता है जब हम लेसन लर्न नहीं करते हैं। जर्नी टू मैरिज तक का सफ़र कैसा होगा आपसे बनते व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट ऑफ कॉइंस, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अल्फ़ाबेट ए नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेट ए, और मुझे हार्ट शेप के अंदर दिखाया जा रहा है, हार्ट शेप के अंदर अल्फ़ाबेट ए। आई डोंट नो, या आपका नाम का लेटर भी हो सकता है या कोई स्पेसिफिक इंसान, बट मुझे ये दिखाया जा रहा है अल्फ़ाबेट ए। ओके, जर्नी टू मैरिज तक का सफ़र कैसा होगा ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। कुछ बातें ऐसा होगा ना, कुछ ऐसी चीज़ें होगी, कुछ ऐसी फीलिंग्स होंगे जो आपको बहुत पुश करेंगे बताने के लिए कि बता दो बता दो। ओके, और आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो एनर्जी आपको परेशान करता रहेगा। ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होंगे आपके साथ कि बता दो बता दो। दैट्स व्हाई मैं बता रही थी, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स, राइट। बड़ा अंतर देखें, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जर्नी टू मैरिज तक का जो सफ़र है, इस सफ़र में आपका कनेक्शन ब्रेक भी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक से प्यार किया उसी से शादी हो गया, वो बहुत कम लोगों के साथ होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि फर्स्ट प्यार जिससे होगा उससे शादी नहीं होगा। देखिए, बुरा मत मानिएगा, डरिएगा मत, अगर आपको डर लग रहा है तो स्किप कर दीजिए ये वाला पार्ट, ठीक है। जो मुझे आ रहा है मैसेज में वही बता रही हूँ कि हाँ, इसी इंसान से मैंने प्यार किया, फर्स्ट लव था मेरा, इसी से मेरा शादी हो गया, वैसा वाला सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है। हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे आप लोग, पर्टिकुलर कनेक्शन ब्रेक होगा, उसके बाद जाकर आपका पर्टिकुलर इंसान से शादी होगा। ओके, एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। दूसरा जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जर्नी टू मैरिज तक का जो सफ़र है, इसमें आप लोग थोड़ा लोनली भी फील कर सकते हैं। समटाइम्स आप लोनली फील कर सकते हैं कि मैं सिंगल हूँ, या फिर पार्टनर के होने के बावजूद भी सिंगल जैसा फील करना, समथिंग इस तरीके का। पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की मेमोरीज आपको सता सकते हैं, पास्ट की मेमोरीज के मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, इमोशनल लेवल पर मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, यू नो, इस टाइप की मेमोरीज बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आ सकता है। और जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका मैरिज डिले होगा। मींस जो सोसाइटी के हिसाब से जो एज ग्रुप बनाया जाता है ना, कि इस साल इतने, इस साल तक होना चाहिए शादी समथिंग, वैसा वाला एज में नहीं होगा। मींस मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब 27-28 तक लड़का लड़की की शादी हो जाना चाहिए, समथिंग इस टाइप से बोला जाता है। मैं लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है ना, तो वैसा नहीं होगा आपका, उससे ज़्यादा होगा। मींस जैसे कि कुछ टिपिकल लोग बताते हैं कि लड़की की शादी 22 की उम्र में हो जाए, 23 की उम्र में हो जाए, यू नो, टिपिकल जो माइंडसेट होता है, तो 22-23 की जगह आपकी शादी 28 में हो जाए मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, या फिर 30 के बाद हो जाए, ठीक है, अगर आप लड़की है तो। ठीक उसी तरह से लड़कों को लेकर भी कभी कभार, लड़कों को लेकर हालांकि कम बनाया जाता है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में 30 मिनिमम 30, ओके, 30 के बाद का उतना मतलब बढ़ गया, एज बढ़ गया, समथिंग इस टाइप से लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आप लड़का है तो भी 30 के बाद हो जाना शादी, या फिर 35 के बाद हो जाना शादी, यू नो, तो उस हिसाब से डिले होगा चीज़ें, लेकिन स्टेबल होगा आपका कनेक्शन। डिले भले ही होगा लेकिन स्टेबल होगा, और नो डाउट अब मनी अबंडेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ओके, जर्नी टू मैरिज तक का सफ़र कैसा होने वाला है ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। हार्ड टाइम आप देखेंगे नो डाउट, लेकिन उस हार्ड टाइम से आप निकल भी जाएंगे, आप जूझेंगे भी, नो डाउट। थैंक यू। जर्नी टू मैरिज तक का सफ़र कैसा होगा ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। हाँ राइट, स्नेल, सही कहा था मैंने। वन मोर, जर्नी टू मैरिज तक का सफ़र कैसा होगा ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लिए, और किन बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। हाँ, कम्युनिटी। जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, ये आपका बहुत स्लोली जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था डिले होगा, और यहाँ पर देखिए स्नेल आ गया, स्नेल कितना स्लोली स्लोली चलता है, ये सबको, ये सभी को बताएं, राइट। तो जर्नी टू मैरिज तक का जो आपका ये सफ़र होगा, ये थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब धीरे धीरे आगे आप जाएंगे, आगे धीरे धीरे शादी तक पहुँचेंगे, यू नो, धीरे धीरे होगा चीज़ें। लेकिन यहाँ पर
एक चीज ये ऐसा होगा कि जर्नी टू मैरिज तक का जो सफर है, यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आपका थोड़ा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि अब तक शादी नहीं हुआ, कब होगा शादी, या फिर इसी से ही कर लो शादी, इससे अच्छा तुम्हें और क्या मिलेगा, इतना तो उम्र हो चुका है, जो मुफ्त का लेक्चर्स देते हैं लोग। तो इस टाइप की बातें आपको काफ़ी सुनने को मिल सकता है टॉक्सिक लोगों की। दैट्स वाई स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लोगों से। ओके, तो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, स्पेशली पर्टिकुलर फीमेल पर्सन मुझे दिखाया जा रहा है। हाँ, ये फीमेल वो भी हो सकते हैं जो मुझे दिखाया था स्टार्टिंग में, एनीवेज वो तो एंसेस्टर की थी। एनीवेज ओके, तो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन जो ओल्डर है, जो आपसे एज में बड़े हैं, जो आपकी माँ की उम्र के, आपकी दादी की उम्र के, नानी की उम्र के, इस टाइप की, जो आपकी माँ की उम्र के स्पेशली, ऐसी पर्टिकुलर लेडीज़ के प्रेशर आपके ऊपर डाला जा सकता है। ऐसे पर्टिकुलर लेडी आपको थोड़ा बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, उससे आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं, बट एक बात का ख्याल रखिएगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ये मैंने पहले ही बोला था कि आपके सिक्स सेंसेस स्ट्रांग होंगे, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। लोगों के प्रेशर में आकर कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। लोगों के प्रेशर दिया जा रहा है इसीलिए यार कर लेते हैं, यार इससे बेहतर क्या मिलेगा मुझे, और समथिंग वैसा नहीं है, वैसा मत सोचिएगा। ऐसा कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा, आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ होगा और आपके इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा, ठीक है ना। जर्नी टू मैरिज तक के जो सफ़र है, इसमें आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपका ऐसा प्रेशराइज किया जा सकता है किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए जो आपको पसंद ही नहीं है। ओके, और ऐसे में आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, पसंद नहीं है तो बताओ नहीं है पसंद, मुझे नहीं करना है, सिंपल। लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं सिचुएशन को, हम इंसान कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर हम खुलकर बात करें तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेगा, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ही नहीं, लेकिन लोग बोलते नहीं है, यही सबसे बड़ी माइनस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आपके कम्युनिटी के ही लोग आपको फोर्सफुली किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि हो जाएगा, नहीं हो नहीं जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप करेंगे या नहीं। लेकिन ये सफ़र, मतलब जर्नी टू मैरिज तक का जो सफ़र है, उसमें आपको ये फेस देखना पड़ सकता है जहाँ पर लोग आपको प्रेशराइज करेंगे कि इसी से करो। उस वक्त आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि करना है या नहीं करना है, और जैसे आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि नहीं करना है, उसी डिसीजन को एक्सेप्ट कीजिएगा। रिमेंबर कि ये लाइफ आपका है, आपके घर वालों का नहीं है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का सगा नहीं रहता है, मरने के बाद क्या, जीते जी भी कोई किसी का सगा नहीं रहता है, एक टाइम के बाद हर कोई अपना असलियत दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी मत भूलिएगा कि ये आपकी ज़िंदगी है, फैसला आपको लेना है क्या आपको आगे की ज़िंदगी किसके साथ बिताना है, है ना। बाकी का पूरा लाइफ एक इंसान के साथ आपको बिताना पड़ेगा, तो डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि किसी और का। ओके, ऑप्शन नंबर वन। सो ये रहे आपके रीडिंग, अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर टू, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आपने पाइल चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर टू। प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, ऑप्शन नंबर टू के लिए कैसा होने वाला है। मुझे बलविंदर कौर सुनाई दे रहा है नाम, आई डोंट नो किसका है बलविंदर कौर। बलविंदर कौर, बाय द वे, ये नाम, इस नाम के एक शख्स ने मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लिया था मैरिज से रिलेटेड, या हो सकता है कि आप देख रहे हो, या फिर कोई और भी हो सकता है। अगर कोई है बलविंदर कौर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर कोई नहीं बताते हैं, मतलब उनका नाम आने पर भी कुछ लोग नहीं बताते। ओके, या फिर ये हो सकता है कि ऐसे किसी पर्टिकुलर इंसान से आप मिले, या ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनको आप पसंद करते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ज़रूरी नहीं कि आप ही का ही नाम हो बलविंदर कौर। ओके, सो जर्नी टू मैरिज तक का ये सफ़र कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर टू, प्लीज़ मुझे बताइएगा। जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, म्यूज़िक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। म्यूज़िक, जैसे कि सॉन्ग्स के थ्रू आपसे यूनिवर्स बात करेंगे, सॉन्ग्स के थ्रू यूनिवर्स आपसे बात करेंगे। अदरवाइज पर्टिकुलर पार्टनर, आपका स्पाउस, आपसे म्यूज़िक के थ्रू बात करेंगे टेलीपैथी के लिए। ओके, यहाँ पर कुछ लोग, अगेन मैं बता रही हूँ, बहुत कम ही लोग होते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं यहाँ पर,
जो टेलीपैथिकली अपने पार्टनर के साथ, ट्विन पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहेंगे सॉन्ग्स के थ्रू, ओके। अदरवाइज बाकी सभी के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ कहीं ना कहीं म्यूजिक के थ्रू बात करेंगे, ये जर्नी टू मैरिज तक का जो सफर होगा, ओके। जब आप अपने एडल्टहुड में आ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आप धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएंगे, जैसे कि आप टैरो रीडिंग्स वगैरह देखेंगे और आपकी शादी की उम्र भी हो रहा है ऐसा कुछ, तो क्या होगा, इस दौरान आपके सामने कुछ ऐसे सॉन्ग्स आएंगे जिसके लिरिक्स आपसे कुछ बोलेंगे, लिरिक्स में कुछ ऐसी चीजें होगा जो बहुत ही मीनिंगफुल होगा, जो आपको टच कर जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया, समथिंग इस तरीके से यूनिवर्स आपसे ऐसे बात करेंगे, ओके। सोल जर्नी मुझे सुनाई दे रहा है, सोल जर्नी, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, अपनी ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग होंगे, अपनी सोल को आप लोग इवॉल्व करना सीखेंगे। जर्नी टू मैरिज तक के जो ये टाइम फ्रेम होगा, इस दौरान आप लोग अपनी सोल के साथ, अपने अंदर आत्मा के साथ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। हायर सेल्फ के साथ हर कोई कनेक्ट नहीं हो पाता है, ओके। जो लोग साधना करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, वो लोग अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाता है, अदरवाइज हर कोई हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। लोगों को तो पता भी नहीं है कि हायर सेल्फ नाम का ये कोई चीज़ होता भी है इस दुनिया में, ठीक है ना। तो आपका जो मुझे दिख रहा है कि जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, इस सफ़र में आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी सोल को इवॉल्व होने में आप काफ़ी कुछ मदद करेंगे। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस में आप बहुत कुछ हील भी करेंगे, खुद की इश्यूज आप हील करेंगे डिवाइन के मदद से, पर्टिकुलर गाइड के मदद से, पर्टिकुलर रीडिंग्स के मदद से आप खुद को हील करेंगे। डिवाइन गुरु, आई एम हियरिंग डिवाइन गुरु, या तो आप डिवाइन को ही, यूनिवर्स को ही गुरु मानकर, या फिर पर्टिकुलर ईस्ट भगवान को अपना गुरु मानकर आप आगे बढ़ते जाएंगे मैरिज तक के सफर में। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुरु आपके हो सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे मैरिज तक के सफर में। और यहाँ पर स्ट्रांग मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की सोल जो है, आत्मा जो है, वो इवॉल्व होगा, वो ग्रो करेगा, पर्सनल ग्रोथ मुझे सुनाई दे रहा है। तो जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफर है, इस टाइम फ्रेम पर आप लोग की पर्सनल ग्रोथ होगा बहुत ज़्यादा, अपनी आइडेंटिटी को बनाना, अपनी एक पहचान बनाना, वो आप लोग कर पाएंगे। कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन वन में भी मिलेंगे, तो आप बाद में ऑप्शन वन भी सुन सकते हैं उसकी रीडिंग, ठीक है, ओके। तो या एक तो ये मुझे मैसेज आना है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ होगा, आप लोग अपनी पर्सनल आइडेंटिटी एक बना पाएंगे, इमेज जिससे लोग आपको पहचाने, आपके नाम से लोग आपको जाने। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत फेमस बनना है, नहीं, गली मोहल्ले के लोग भी आपको जाने, वही बहुत है, क्योंकि आज के दौर में पड़ोसी भी एक दूसरे का नाम नहीं जानते, अभी ऐसा टाइम फ्रेम आ चुका है, ओके। तो या जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र होगा, इस टाइम फ्रेम पर आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप कैसे बात करते हैं खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी, दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं इसमें तो लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन खुद के साथ कैसे बात करते हैं उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप खुद के साथ भी कैसे बात करते हैं। जब हम मन में कुछ सोचते हैं, वो होता है खुद के साथ बात करना। मन ही मन में जो हम सोचते हैं, बोलते हैं कुछ ना कुछ मन ही मन में, वो होता है खुद के साथ बात करना, खुद के साथ कम्युनिकेट करना। आप किस वे में कम्युनिकेट करते हैं खुद के साथ, कितने पॉजिटिव वे में आप बोलते हैं या कितना नेगेटिव वे में आप बात करते हैं खुद के साथ, वो बहुत मैटर करेगा। तो कम्युनिकेशन में ध्यान दीजिएगा, आपके लिए आपके वर्ड्स मैग्नेट की तरह काम करेगा। आई एम हियरिंग लाइक, अगर आप कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो बहुत जल्द वो चीज़ दिखेगा, आप कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो भी बहुत जल्द वो चीज़ दिखेगा। तो अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, झट से कुछ बोल मत दीजिएगा, ओके। क्योंकि ये हमारी बोली बहुत मैटर करता है हमारी सोल की ग्रोथ में। हमारी बोली, हम जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो बहुत मैटर करता है हमारे सोल के ग्रोथ में। अगर आप लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो अपशब्द बोलना, या फिर जो अब्यूजिव वर्ड्स जो होते हैं आजकल तो ट्रेंडिंग में है, पर्टिकुलर वर्ड तो आजकल गाने में भी डाल दिया जाता है, रैप सॉन्ग्स में या कुछ भी इस टाइप के सॉन्ग्स में,
तो ऐसे जो फन करने के लिए जो आजकल एब्यूसिव वर्ड काफी यूज किया जाता है, उससे बचिएगा। इस ट्रेंडिंग के चक्कर में लोग अपना कितना कुछ घाटा कर रहे हैं उनको अंदाजा भी नहीं है। तो वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आप कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। एब्यूसिव वर्ड जो आजकल लोग डेली बेसिस पर बोलते हैं, उन्हें अभी ऐसा हो गया कि अभी एब्यूसिव वर्ड एब्यूसिव नहीं लगता है ये मतलब खाने के साथ पानी पीने के जैसा हो गया है। तो ऐसे वर्ड से भी केयरफुल, ये बहुत बुरी तरह से असर डालता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड आप किन लोगों के साथ बात करते हैं, खुद के साथ कैसे बात करते हैं ये भी मैटर करेगा, और किन लोगों के साथ आप बात करते हैं, किन के साथ आपका बातचीत होता रहता है, जिन किन के साथ आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ये बहुत मैटर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए जर्नी टू मैरिज तक के सफर में। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ, जिन कम्युनिटी के साथ आप जुड़ेंगे, वो कि आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, पर्टिकुलर कुछ फ्रेंड्स आपके हैं वो एक ग्रुप हो गया आपका, पर्टिकुलर कलीग्स हैं आपके, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया, पर्टिकुलर कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके साथ आपका बातचीत होता है, तो वो भी एक ग्रुप बन गया। इस हिसाब से कम्युनिटीज क्रिएट होते हैं अलग अलग। तो किन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, क्या ये लोग आपके लिए सही है, क्या इनसे बात करना आपके लिए सही है, ये बहुत मैटर करेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप किन के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज का जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल है। ये सब बातें मुझे पहले नहीं पता था, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती गई और मुझे जो मेरे जो गाइड्स हैं, मतलब मेरे गाइड्स फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मेरे जो भी गाइड्स हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, बेसिकली मैं स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट रहती हूँ, एंजल्स के साथ कनेक्ट रहती हूँ। तो वो लोग जब मुझे गाइड करते हैं पर्टिकुलर लोगों को लेकर के, इनसे बात मत किया करो, इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किया करो, तब मैं समझती थी ओ एक्चुअली बात यह है। तो मैनिपुलेटिव लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं इस जर्नी में। ऐसे लोग जो अपने काम निकलवाने के लिए आपसे बात करेंगे और आपसे अपना काम निकलवा भी लेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी लाइट की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन आप इस दौरान डार्क एनर्जीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स आपका सोल इवॉल्व होना चाहेगा, वो लाइट की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन इस दौरान डार्क एनर्जीज भी आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसे लोग जो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के हैं, जो मैनिपुलेटिव हैं, जो झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप के लोग भी आपके लाइफ में काफ़ी आएंगे। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऐसे लोग बड़े आसानी से अच्छे लोगों को फंसा देते हैं, कुछ इस तरह से वो अपने माइंड माइंड गेम खेलते हैं कि अच्छा इंसान फंस जाता है उसमें। तो ऐसे लोगों से बचिएगा, ठीक है, क्योंकि फंसने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी जर्नी टू मैरिज तक का ये सफर कैसा होगा। फॉर ऑप्शन नंबर टू, रिलेटिव्स, आई एम हियरिंग रिलेटिव्स, अगर ऐसे रिलेटिव्स हैं, मोस्ट ऑफ दी लोगों में देखा ही जाता है कि रिलेटिव्स अच्छे बहुत कम होते हैं, बुरे ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा उनसे भी केयरफुल रहिएगा। जर्नी टू मैरिज तक का सफर कैसा होगा, ऑप्शन नंबर टू के लिए 10 ऑफ कप्स, थैंक यू थैंक यू। जर्नी टू मैरिज तक का सफर कैसा होगा, ऑप्शन नंबर टू के व्यूअर्स के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। जर्नी टू मैरिज तक का जो सफर है, कुछ लोग ऑप्शन वन से भी आए हैं बाय द वे। जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफर है, इस दौरान आपका कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है लोगों के साथ, ईगो ईगो क्लैशेस होना, पर्टिकुलर ऐसे आपको लोग मिल सकते हैं जो काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, या फिर यूँ कहें कि कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको ईगोइस्टिक बनने में मजबूर कर देगा, आपके अंदर भी ईगो आएगा। ईगो हम सभी के अंदर होता है कम ज़्यादा करके, जैसे जैसे हम हीलिंग करते हैं, खुद की सोल के ऊपर काम करते हैं, वैसे वैसे ईगो घटता जाता है, कम होता जाता है। अदरवाइज़ जो लोग बिल्कुल भी हीलिंग नहीं करते हैं, जिनको हीलिंग का पता ही नहीं है, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उनके अंदर ईगो भर भर के होता है, ठीक है ना। तो आप जर्नी टू मैरिज तक का जो सफ़र है, इस दौरान ईगो से रिलेटेड इश्यूज का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसमें आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे जो ईगोइस्टिक है,
जो तस से मस नहीं होते हैं और अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ कनेक्शंस भी आपके बन सकते हैं, लव कनेक्शंस भी बन सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही ईगो क्लैशेस हो। ओके, जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, सी ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जो मैसेज आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोग देखते हैं, अलग अलग नेचर के लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, उसमें आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में जा सकते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप आई एम हियरिंग, मल्टीपल रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैनिपुलेटिव लोग या डार्क नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए लोग आपकी तरफ भी वो अट्रैक्ट होंगे, वो आपको मैनिपुलेट भी करेंगे, ठीक है? तो आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में जा सकते हैं मैरिज तक के सफ़र तक पहुँचते पहुँचते। जो कनेक्शन कुछ टाइम चलेगा फिर ख़त्म होगा, फिर कुछ टाइम चलेगा ख़त्म होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे कनेक्शंस भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर सामने वाला इंसान बहुत ही अट्रैक्टिव है, सिडक्टिव है, फिजिकली जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और फिर फंस जाना, फिर समझ में आना कि इंसान तो मेरे लिए बना ही नहीं है, फिर ब्रेक होना, वो कनेक्शन टूटना, फिर एक न्यू कनेक्शन अट्रैक्ट करना, फिर वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा फेस करना, इस तरह के सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अगेन ये सभी के लिए नहीं है, जिनके लिए है उनको पता है, जिनके लिए है उनके साथ ऑलरेडी ये हो रहा है या हो चुका है। ओके, तो जर्नी टू मैनेज तक का जो ये सफ़र है, इस सफ़र में आपको पता चलेगा कि फैमिली एक्चुअल में होता क्या है, ट्रू कम्युनिटी एक्चुअल में होता क्या है, फैमिली लव क्या होता है, रिश्ता, रिश्ते, नाते, ये सब क्या होते हैं। तो आप इस जर्नी में क्या होगा आपके साथ, आपको फेक रिश्ते काफ़ी मिलेंगे। ओके, फेक रिश्ते का मतलब हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही नहीं होता है, और भी रिश्ते नाते होते हैं इस दुनिया में। तो आपको फेक लोग बहुत मिलेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि रिश्ते नाते सब झूठ होता है, कुछ भी सच नहीं होता है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि खुद के भाई बहन ने ही आपके साथ धोखा कर दिया, खुद के माँ बाप ने ही आपके साथ कुछ गलत कर दिया, जिससे विश्वास उठ जाना रिश्ते नातों पर। लेकिन कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिससे ये कहूँ कि एपिफनी जिसको बोलते हैं, एपिफनी, यू नो, डिवाइन के थ्रू कुछ एपिफनी होना, जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, अच्छे रिश्ते भी होते हैं, रिश्ते नाते एक्चुअल में होता क्या है, रिश्ते नातों का मीनिंग क्या है, ट्रू रिलेशनशिप किसको कहा जाता है, वो आप लर्न करेंगे। वो आपको पता चलेगा कि ट्रू रिलेशनशिप एक्चुअल में होता क्या है, ट्रू पार्टनर क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, वो आपको समझ में आएगा। इससे पहले ऐसा हो सकता है कि आप जिस इंसान के अंदर प्यार ढूंढे और आपको लगेगा कि हाँ, इस इंसान के साथ मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये इंसान मुझे खुश रखेंगे, ये इंसान परफेक्ट है, फिर कुछ टाइम बाद रिलेशनशिप में आने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये इंसान वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ब्रेक हो जाना। तो इस टाइप की चीज़ें, गलत इंसान को अट्रैक्ट करना, उसके बाद रियलाइज़ करना कि ये गलत है और सही क्या है, क्यों? तो रिलेशनशिप, किस टाइप के रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रिलेशनशिप में क्या मैटर करता है, वो सभी चीज़ें आपको जर्नी टू मैरिज तक के सफ़र में सिखाया जाएगा। ये रिलेशनशिप सिर्फ मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का ही नहीं बोल रही, लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप हम बनाते हैं, जितने भी रिश्ते हम बनाते हैं, उन रिश्तों का ट्रू मीनिंग आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस रिश्ते में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो आपको समझ में आएगा जर्नी टू मैरिज तक के सफ़र में। जर्नी टू मैरिज तक का सफ़र कैसा होगा फॉर ऑप्शन नंबर टू, डिवोशन, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सॉलिट्यूड, राइट। जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र होगा ना आपका, आप ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, गलत इंसान को अट्रैक्ट करना, उसके बाद सही इंसान को अट्रैक्ट करना। ओके, इस टाइप की सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। एंड जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र होगा ना, इस सफ़र में आपके डिवोशन का टेस्ट लिया जाएगा, आप कितना ज़्यादा विश्वास रखते हैं ईश्वर पर, ऊपर वाले पर, अपनी भक्ति पर आपको कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जर्नी में भी हो सकते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन आपको स्टार्टिंग में वैल्यू ना दे, उसके बाद वो इंसान आपको
वैल्यू देना स्टार्ट कर दें। शुरुआत में वो आपका वैल्यू ना समझे, उसके बाद वो इंसान आपको वैल्यू, आपका वैल्यू समझना स्टार्ट कर दे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। स्पेसिफिकली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पर आपके टेस्ट लिया जाएगा आपके डिवोशन का, आपके भक्ति पर, भक्ति के ऊपर, कि आप अपने ट्विन के साथ कितना लॉयल है, आपके लिए ये ट्विन जर्नी कितना इम्पॉर्टेंट है, इस ट्विन जर्नी में आप जो भी इनर वर्क करेंगे वो कितने शिद्दत के साथ आप करेंगे, ईश्वर पर कितना ज़्यादा बिलीव होगा, एक तो इस बात का भी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए है जो ट्विन फ्लेम्स हैं, बाकियों के लिए नहीं है ये मैसेज। अदरवाइज बाकी सभी के लिए एक ही मैसेज है कि जर्नी टू मैरिज तक का जो ये सफ़र है, इसमें आप अध्यात्म के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, ईश्वर के साथ, भक्ति के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, अपने ईश्वर के साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, और इस दौरान आपको ट्रू लव क्या है वो समझ में आएगा, ट्रू रिलेशनशिप क्या है वो आपको समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे हज़ारों दोस्त बनाकर फ़ायदा है नहीं, 100-200 दोस्त बनाकर फ़ायदा है नहीं, गिने चुने एक दो अच्छे दोस्त होना ही काफ़ी है। बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, हर वक्त हर किसी के साथ बातें करते रहना, कॉन्वर्जेशन हर वक्त किसी ना किसी कॉन्वर्जेशन में पड़े रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए अकेले टाइम निकालना कितना इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ लव करना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सिखाया जाएगा जर्नी टू मैरिज तक के सफ़र में। सेल्फ लव, सेल्फ इम्पॉर्टेंट कितना ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ, एक तो सेल्फ रियलाइजेशन मुझे सुनाई दे रहा है, तो कहीं कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाया जाएगा। सेल्फ वैल्यू कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो आपको जर्नी टू मैरिज तक के सफ़र में सिखाया जाएगा, आप लर्न कर पाओगे। हार्ट ब्रेक होगा लेकिन आप खुद को हील भी करोगे और अपने ट्रू पार्टनर को भी आप अट्रैक्ट करोगे, और स्पेशली वो ट्रू पार्टनर आपके लिए ईश्वर खुद चुनेंगे आपके लिए, और आप जान जाओगे कि हाँ यही वो है, यही वो है वो, आप उस लेवल तक पहुँचते पहुँचते समझ जाओगे कि हाँ यही वो सही इंसान है जिसके साथ आप मुझे पूरी ज़िंदगी बिताना है। वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन नंबर टू। तो आपकी जर्नी टू मैरिज तक का सफ़र में पेन डेफिनेटली है, लेकिन एट दी एंड बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और डिवाइन आपके लिए आपका ट्रू पार्टनर ही लाएगा आपके लिए, कोई गलत इंसान नहीं। ओके ऑप्शन नंबर टू। सो ये आपका रीडिंग, कैसा लगा मुझे बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय।